और दोस्तों कैसे हैं, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं गाड़ी में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे स्मार्टफोन जो अप्रैल के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, ये वीडियो हम मंथ के लास्ट में करते हैं और आप लोगों का हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको स्मार्टफोन बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ में कौन से होने वाले लॉन्च, वो हमारा प्रेडिक्शन 90% से ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल सही जाता है। मतलब जो भी मैं आपको इस वीडियो में स्मार्टफोन बताने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए, मतलब अप्रैल के लिए, वो डेफिनेटली दोस्तों आपको अप्रैल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपने मन बना लिया था कोई स्मार्टफोन खरीदने का अप्रैल में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तव टेक चैनल पे। जो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको अप्रैल के महीने में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, वो 7th अप्रैल को देखने को मिलेगा, जिसका नाम है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9। वैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन्फिनिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्फिनिक्स हॉट 9 में आपको क्वाड कैमरा दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डिस्प्ले होने वाली है वो पंच होल डिस्प्ले होने वाली है। और प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, 7 या 8 हज़ार रुपये में देखने को मिलेगा। दोस्तों 7 या 8 हज़ार रुपये में क्वाड कैमरा वाला स्मार्टफोन, वो भी पंच होल वाला, 5000 mAh की दोस्तों इसमें बैटरी भी देखने को मिलेगी आपको। दोस्तों कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों, मैं आपको जरूर से रिकमेंड कर सकता हूं कि अगर आप कोई फ़ोन खरीदने वाले हैं 7 या 8 हज़ार रुपये का, तो डेफिनेटली दोस्तों आप इन्फिनिक्स हॉट 9 की साइड जा सकते हैं। और लॉन्च डेट मैंने आपको बताया दोस्तों, 7th अप्रैल को ये लॉन्च होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट करो और हाँ ऑल पे क्लिक करना, ताकि हमारी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वन प्लस भी अपने काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है अप्रैल के महीने में। वन प्लस 8 प्रो, वन प्लस 8 लाइट, जी फ्रेंड्स, और ये मैं आपको बता दोस्तों 5G स्मार्टफोन रहने वाले हैं। वही दोस्तों मैं बात करना चाहूँ 1+8 और 1+8 प्रो की, तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ होंगे। कितने प्रोसेसर के साथ होंगे ये दोस्तों मैं अभी नहीं कह सकता। और मैं आपको बता दूं 1+8 लाइट जो होने वाला है वो दोस्तों हीलियो के प्रोसेसर के साथ आएगा डेफिनेटली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पंच होल के साथ आएंगे, क्वाड कैमरा सेंसर के साथ आएंगे डेफिनेटली। दोस्तों आपको पता है कि वन प्लस के फोन होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आप कह सकते हैं 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच की प्राइस में आएंगे। वैसे दोस्तों क्या आप वन प्लस के फैन हैं, नहीं बताया आपने अभी तक हमें, कमेंट करके बताओ, ताकि हमें भी पता चल सके कितने ऐसे लोग हैं जो वन प्लस के फोन को प्रेफर करते हैं। और दोस्तों जो मैं आपको अगली कंपनी का स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, ये मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज भी करता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया की। नोकिया की तरफ से भी आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक स्मार्टफोन आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, बाकी के 2 स्मार्टफोन, एक का नाम है नोकिया 1.3, ये जो है एंड्रॉयड गो स्मार्टफोन होने वाला है। वहीं दोस्तों एक और स्मार्टफोन है, इसका नाम है नोकिया 5.3, ये दोस्तों रहने वाला है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ रहने वाला है। वैसे दोस्तों नोकिया के काफी सारे फैन हैं, क्या दोस्तों आप भी नोकिया के फैन हैं? वैसे दोस्तों नोकिया थोड़ी सी एक चीज में कमी करता है, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करना चाहूंगा, कि वो अपनी प्राइस ठीक ठाक नहीं रखते हैं। अगर वो दोस्तों अपनी प्राइस को सही रखते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आज भी नोकिया के बहुत ज्यादा फैन है। मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपने कोई नोकिया का अब तक फोन चलाया है, क्या आपने कोई नोकिया का फीचर्स फोन चलाया है? अभी तक आपने हमें बताया नहीं है, कमेंट करके बताओ, ताकि हमें भी पता चल सके कितने लोगों ने नोकिया का फोन चलाया है या अभी भी चला रहे हैं। और दोस्तों गेमिंग लवर भी खुश हो जाएगी, क्योंकि गेमिंग लवर के लिए भी एक तगड़ा स्मार्टफोन आने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों नोविया रेड मैजिक। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों 5G स्मार्टफोन रहने वाला है। और आपको दोस्तों वैसे पता ही है कि नोविया के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो दोस्तों गेमिंग के स्मार्टफोन आते हैं। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन 5G के साथ साथ सुपर एमुलेट स्क्रीन के साथ भी आएगा, और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर डेफिनेटली दिया जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ये नोविया का फोन है और आपको पता है गेमिंग का स्मार्टफोन होता है, तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें हाई लेवल का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। प्राइस दोस्तों आपको पता है नोविया का स्मार्टफोन है, तो 40 से 50 हज़ार रुपये के प्राइस में आएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको ओप्पो की तरफ से भी स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे अप्रैल के महीने में, जिनका नाम है दोस्तों ओप्पो फाइंड X2 और ओप्पो फाइंड X2 प्रो। ये दोस्तों कमाल के स्मार्टफोन रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वाड कैमरा सेंसर के साथ आएंगे, और यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली हो पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली हो, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाली है।
और दोस्तों अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो हाई लेवल का आने वाला है। इसमें आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन 856 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा जरूर से, इसमें जो चार्जर दिया गया वो 65 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं ये काफी ज्यादा कमाल के स्मार्टफोन रहने वाले हैं ओप्पो की तरफ से। वैसे दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया। और हाँ दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर जरूर से करो ताकि दोस्तों उन लोगों को पता चल सके जो अप्रैल के महीने में कोई स्मार्टफोन लेने वाले हैं इस टाइम पर। और दोस्तों आप लोगों को पता है ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी कंपनियां स्मार्टफोन लॉन्च करे और शाओमी ना करे? जी फ्रेंड्स, शाओमी की तरफ से आपको दोस्तों देखने को मिलेगा रेडमी K30 Pro, जो कि अभी चाइना में लॉन्च हुआ। इंडिया में दोस्तों मैं बता सकता हूं आपको, हो सकता है पोको F2 के नाम से आएगा। और दोस्तों लगे हाँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि Redmi की तरफ से आपको Redmi 9 और Redmi Note 9 भी आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल के महीने में ही। ये दोस्तों Helio के G70 प्रोसेसर के साथ आएंगे। वैसे दोस्तों जब भी आएंगे हम आपको इन के बारे में भी जरूर से बताएंगे। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मार्केट में फोन नहीं प्रेफर करते हैं, ऑफलाइन मार्केट से फोन खरीदते हैं। और आपको पता है ऑफलाइन मार्केट को टारगेट जो ज्यादातर करती हैं वो ओप्पो और वीवो करती हैं। तो दोस्तों वीवो की कंपनी भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करेगी अप्रैल के महीने में, जिसका नाम है दोस्तों वीवो V19। इसमें दोस्तों खास क्या होने वाला है, इसमें आपको डुअल पंच होल वाली स्क्रीन देखने को मिलेगी और ये डिस्प्ले आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 8 GB 256 GB स्टोरेज के साथ आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का रहने वाला है दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों ये क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट के साथ आएगा, मतलब आपको 712 क्वालकॉम का चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों ऑफलाइन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे जरूर से पूछना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो वीवो के फोन को प्रेफर करते हैं, वीवो का कोई फोन चलाते हैं या वीवो का फोन खरीदने वाले हैं? तो ये बात दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वैसे दोस्तों आपकी एक बात बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है हमें, आप हमें कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने में कुछ चला जाता है तो हमें बता दीजिए, हम नहीं कहेंगे। कमेंट कर दिया अगर थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ जाता है, अच्छे तरीके से हम आपको समझ पाते हैं और आप हमें समझ पाते हैं। चले दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और हाँ दोस्तों ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल वाले आइकन को भी हिट कर लेना। और हाँ दोस्तों एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की, हमें कमेंट में बताओ। और आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया है ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ दोस्तों एक काम और कर देना हमारे लिए, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।